अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो बस आज नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस आज सुबह हो चुकी है और आज के 1 जून जून स्टार्ट हो चुका है। बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ बच्चों का समर कैंप स्टार्ट हो गया है और कुछ बच्चे नानी के घर जा रहे हैं, कुछ बच्चे अपने दादी के घर जा रहे हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अलग रहती हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। हम ईद पे जाएंगे जहाँ भी जाना होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे बच्चों का समर कैंप स्टार्ट हो जाए 12 जून से ना, तो इस वजह से मेरा मुश्किल ही है कहीं जाने का। और बस हम घर पर ही हैं, घर के काम की वो। बस अभी उठे हैं हम लोग, सुबह उठ गई थी नमाज़ पढ़ के, नाश्ता वगैरह बना के अपने साहब को ऑफिस भेजा मैंने, और बस फिर मैं सो गई थी दोबारा। अब उठी हूँ, उठने के बाद मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया, उन्हें बाथ दिलवाया। बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं तो फिर मैं किचन में चली गई। आज मैंने था कि मुझे खाना जल्दी बनाना है, तो अभी बस कटिंग कर कर आई हूँ। और आज मेरा मूड है कि मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ। मिक्स सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया है कि नहीं मिक्स सब्ज़ी बनेगी तो उसे ही करूँगी, बस चाय पी है ना। तो बस अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आज सब्ज़ी भी मैं जल्दी बनाऊँगी क्योंकि बाज़ार चली जाती हूँ, कोई ना कोई काम से निकल जाती हूँ, फिर लेट हो जाता है ना। उम्र ने भी मदद से जाना होता है, फिर साहब भी आ जाते हैं, तो आज ये कि घर में सालन बना के जाएंगे, रोटी आगे बनाएंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे सालन बनाना। बच्चे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं और मैं जाऊँगी किचन में। वैसे मुझे इतना कुछ ख़ास काम नहीं है बाज़ार में, हाँ लेकिन ये है कि मुझे ईद की सूट के दुपट्टों की पीको करवाना है, अनावे की सैंडल देखनी है और छोटे मोटे काम है, इतना कोई ख़ास नहीं है। लेकिन ये कि चलते हैं, मौसम अच्छा है, एंजॉय करते हैं। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज बहुत बादल हैं और हो सकता है शाम या रात तक बारिश हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश कुछ नहीं है। हाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो बस बच्चे मदरसा भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, जब तक मेरा सालन बनता है। और सालन बनने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी, बच्चों को मदद से भेज के नाश्ता करूँगी क्योंकि बच्चे से नाश्ता करने नहीं देते, वो किसी ना किसी काम में उलझाए रखते हैं। तो बस आप साथ रहिए और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किचन में। हो चुके हैं, कोई नहीं थोड़े से और ऑयल के अंदर प्याज फ्राई किए हैं और ये मेरी सब्ज़ी है, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, गाजर, सब्ज़ी जो बनती है। मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी और थोड़ा सा इसको अच्छा से फ्राई करना है, 10 मिनट, 5-10 मिनट है ना। तो ये हो गई मेरी सब्ज़ी फ्राई, 7 से 8 मिनट मैंने फ्राई किए। फिर इसमें चले जाएंगे टमाटर और अच्छे तरीके से, और आप मैंने डाल दिए इसमें सारे मसाले। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी है और जो भी मसाले सब्ज़ी में डलते हैं हल्के से भी डालें, ज़्यादा नहीं, लेकिन कि हल्दी, लाल मिर्च, कूटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, धनिया भुना हुआ, कुटा हुआ, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब ये थोड़ी सी तेज़ आँच पे, इसको सिर्फ 3 मिनट तेज़ आँच पर पकाऊँगी, उसके बाद इसे स्लो फ्लेम पर कर दूँगी, स्लो फ्लेम पे ही गल जाएगा सारा। मैंने इसमें डाल दिए हरी मिर्च, और देखिए इसका फ्लेम फुल है। अब मैंने इसको कवर करके, ये देखें टमाटर गलने लग गए हैं इसे सारे। ये देखिए इसमें पानी नहीं डाला, टमाटर का ही पानी है सारा। अब इसको पहले मैंने फुल फ्लेम पे रखा था, अब इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे हम। इसको स्लो फ्लेम पे करके बच्चों को मदरसे की तैयारी करवाते हैं क्योंकि 2 बजने वाले हैं, बच्चों के मदरसे का टाइम हो गया है, और फिर इसको देखते हैं बाद में। ये देखें सालन हो चुका है काफ़ी हद तक, अब इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। और मैंने दूसरे चूल्हे पर पानी बॉयल कर लिया है,
बस अब इसकी बुनाई करने के बाद फिर इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। गरम मसाला चॉइस है आपकी, डालें या ना डालें, मैंने नहीं डाला। बस अब इसकी मैं बुनाई करूँगी अच्छी तरीके से और फिर इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी। ये सब्ज़ी बुनाई हो रही है और इधर बच्चे देखें लाइन से खड़े हुए मेरी बातें सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं मुझसे। जहाँ मैं होती हूँ बच्चे साथ साथ होते हैं मेरे, ना अनाविया क्या कर रही हूँ? ये देखो ये बस मस्तियाँ आए दिन चलाते हैं, बस पीछे पीछे रहना मेरे। गर्मी हो रही है बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ बस बाहर। ये दोनों भाई हैं माशाल्लाह बहुत खेलते हैं एक साथ। और हमारे तोते को तो दिखाओ कहाँ हैं, ये ने मेरे प्यारे से तोते। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया इसका और अब मैं इसमें धनिया डालूंगी। ये देखिए सब्जी हो गई तैयार। और जैसे मैं पहले बताती हूँ कि ऑयल नहीं आए। ये है मेरा खाना, बच्चे गए मदरसे, अब मैं नाश्ता करूँगी। और नाश्ता करके आज मुझे तो कुछ काम बाहर के करने, अपने दुपट्टे पीको करवाने, तो बस मैं नाश्ता करती हूँ और फिर आपसे बात करते हैं। ये देखें ये सारे मेरे दुपट्टे हैं जो आज पीको होने जाएंगे। और ये काफ़ी सूट तो मेरे रमज़ान की भी हैं, रमज़ान के सूट मैंने पहन के नमाज़ पढ़ ली थी और पीको नहीं करवाया था। फिर मैं गई थी एंड टाइम पे पीको करवाने, तो उन्होंने मना कर दिया कि 2 से 3 दिन लगेंगे। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जाना था हैदराबाद, तो मैंने कहा खैर है बाद में पहन लेंगे, तो बस फिर नहीं पहना मैंने। और आज लेके जाती हूँ क्योंकि मैंने कहा टाइम से करवा लूँ, ऐसा ना हो कि फिर इस दफ़ा भी रह जाए। गर्मी बहुत है, कपड़े भी चाहिए लोन के। सूट मेरा मुझे मेरी सास ने ईद पे दिया था, ये भी उन्होंने ही दिया था। ये मैंने उनसे दिया तो नहीं था, मैं हैदराबाद गई थी, उन्हें मुझे पसंद आया, उन्होंने कहा बस आप ले लो आपको पसंद आ गया, तो ये उन्होंने दिया था। ये मुझे उन्होंने ईद का दिलाया था, पैसे दे दिए थे, मैं खुद लेकर आई थी। इसकी शर्ट अभी टेलर के पास से आई नहीं है। और ये जैसे वन पीस सूट चल रहा है ना, फुल सूट वो था, तो वन पीस सूट में मैंने ऐसे किया कि वन पीस सूट था टू फुल मैचिंग के जो आजकल चल रहे हैं। ये दुपट्टा उसके साथ था जो मैं जुनेद शमशेद का, और ये खादी का ट्राउज़र था। तो मैंने ये तो रेडीमेड मिला था मुझे, मैंने वो एक जो मेरा ट्राउज़र का था वो नन को दे दिया था, वो अपना बनवा लेंगी और ये मेरा बन जाएगा। ये सूट मेरा तैयार है और ये भी बहुत खूबसूरत है। कुछ इसमें से अम्मी ने ईद पे दिए हुए हैं वो हैं, और ये भी मेरी सास ने दिया था, ये भी मैंने उनसे ले लिया था, दिया नहीं था की आदत ये, बस ये कह दूँगी ना मामा ये सूट अच्छा लग रहा है, तो वो कहेंगे ठीक है फिर आप ले लो। तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो किसी को दे रही थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं देने दूँगी आपको ना, ये सूट अच्छा है, तो उन्होंने कहा आप ले लो। तो ये उनकी तरफ से थे। और इसमें से ये वाले सूट मेरी मदर की तरफ से थे, वो दो मैंने ख़रीदे थे। और ये हैं सब निशात के, क्योंकि मुझे निशात के सूट बहुत पसंद हैं, निशात के सूट बहुत अच्छे होते हैं। ये भी निशात का जो नई कलेक्शन आई उसमें से है, ये भी निशात का है, ये भी निशात का है, ये सब निशात के हैं। क्योंकि मैंने इस दफ़ा गर्मियों के ज़्यादातर निशात के ही लिए हैं, इस पर देखो लिखा हुआ होगा ब्रांड। मैं निशात का स्टैम्प ढूँढ रही थी लेकिन दुपट्टों पर शायद नहीं है, तो मैंने कहा ये देख लें निशात ही का है, कोई ये ना बोले कि नहीं निशात का नहीं है, इसका वो नाम लिखा हुआ है, इस पर भी लिखा हुआ है। ये देखें तो बस निशात के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी इस दफ़ा, है ना। बस फिर मैं शॉपिंग पे गई थी कि मुझे अनाबिया के लिए सूट पसंद आया था, अच्छा था, लेकिन अनाबिया का थोड़ा सा बड़ा था, मैंने छोटा लेना चाहा नहीं मिला, ये बहुत थोड़ा सा फैंसी टाइप था, तो मैंने कहा नहीं ईद पे तो ये नहीं अच्छा लगेगा, चुभेगा उसे ना। काफ़ी अच्छे ड्रेसेस आए हुए थे, नई कलेक्शन भी आई हुई थी, लेकिन मुझे किसी के लिए तो क्या अपने ही लिए देखना था, कि मुझे एक सूट पसंद आ गया, मैंने वो सूट ले लिया। और उसके अलावा ये अनाबिया का देख रही थी लेकिन नहीं मिल पाया अनाबिया का सूट ना, तो बस फिर मैंने ये छोड़ दिए। और भी देखे थे बहुत अच्छे सूट थे इस पर ना,
सारे ड्रेसेस इनके बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर मैं इनकी शॉप पे जाके और इनसे ना ये इस तरह एक मैं ऑफ वाइट कलर का देख के गई थी। और सारे डिज़ाइनर सूट होते हैं, लॉन में भी, प्योर में भी, शिफॉन में, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा ये तो लेना बनता है। फिर मैंने ये ले लिया, मुझे पसंद आया, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं ये ले लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने ये ले लिया था। इसकी ये देखें कलर कितना अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था इसका, तो मुझे ये समझ में आ गया। तो ये वाला नहीं लिया, इतना मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया था। हाँ फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए, ये देखें सारे सेल प्राइस में, डिस्काउंट प्राइस में थे, तो देखिए मुझे कुछ जो लेने थे बस वो लिए, जो नहीं लेने थे भी मैंने इतने ज़्यादा देखे भी नहीं। और ये मेरी बच्चा पार्टी मेरे साथ ऊपर जा रही है, ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनकी कलेक्शन न्यू लगी हुई थी, तो मैंने ये सारे ड्रेसेस सेल में लगे हुए थे, इसलिए फिर मैंने ये भी देखी। ये बड़ा खूबसूरत सूट था और बहुत अच्छे प्राइस में था, बहुत इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो मुझे ये सूट भी बहुत अच्छा लगा। मैंने ये लेना चाहा, लेकिन फिर मुझे ये था कि नहीं ब्लैक बहुत सारे मेरे पास हो गए हैं, लेकिन लिया नहीं मैंने। अच्छा था ये सूट, बहुत खूबसूरत था। ये इसका दुपट्टा है और ये जो दिखा रहे हैं ये इसका शर्ट है। हाँ ये शर्ट है, या पता नहीं बैक साइड है, शर्ट तो थोड़ी सी ज़्यादा वो थी ना, ये वाली शर्ट है जो इनके हाथ में ना, ये शर्ट है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन बस मैं ले चुकी थी इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। बस फिर मुझे वो एक समझ में आ गया था, मैंने नहीं लिया ये वाला सूट, अच्छा तो लग रहा था लेकिन मैं छोड़ कर आ गई। लेकिन आने के बाद मुझे ये हो रहा है यार ले लेना चाहिए था, और फिर सेल प्राइस होते नहीं है, अब एक साल के बाद दोबारा सेल लगेगी। तो बस ये थी हम, और अब हम जा रहे हैं बिलिंग की तरफ, जो हमने सूट लिया है उसकी बिलिंग करवाते हैं और फिर निकलते हैं घर पर। घर तो नहीं जाना था, मुझे जाना था बाहर, और अपने दुपट्टे पीकू करवाने थे, मुझे दो तीन काम थे, बच्चों की बुक्स लेनी थी, कॉपीज लेनी थी, स्टेशनरी का सामान लेना था क्योंकि बच्चों को ट्यूशन बिठाना था मुझे ना, लेकिन कोई भी काम नहीं हो सका। यहाँ से निकले तो बच्चों को ये था कि नहीं बस बारिश होने वाली है, क्योंकि ना बहुत बादल हो चुके थे, अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया था, तो बच्चों को ये था कि नहीं बारिश होने वाली है चलें आप। तो फिर रस्ते में आ गए, इनको गोलगप्पे याद कि मामा चलें गोलगप्पे खिला दें। गोलगप्पे खिलाने के बाद मेरा था कि चलो बुक्स ले लूँगी, लेकिन तब भी लेना नहीं हुआ। फिर बस बच्चों को ये था नहीं घर चलें। फिर मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट लिया और बच्चों ने यहाँ गोलगप्पे खाए, मैंने अपनी चाट खाई। इतना अच्छा वेदर हो रहा था, ये देखें इतनी ठंडी हवा, इतना सुकून मिल रहा था यहाँ बैठे हुए, दिल कर रहा था काफ़ी देर यहाँ बैठे, तो बस नहीं बैठ सकी। बच्चों का साथ था, बच्चों को यह था मामा बारिश हो जाएगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, तो इनको ये था कि नहीं बस घर जाना है हमने। तो बस फिर हम घर निकल गए, बच्चे गोल गप्पे खाते हुए उड़ गए क्योंकि उनको तो नज़र आ गए जानवर, अब ये कुर्बानी के जानवर हैं, हम ये जगह जगह मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग इनको सेल के लिए लेकर आए हुए होते हैं गाँव से, ये लेकर आते हैं इनको सेल करवाने के लिए, तो बस ये कुछ लोग सेल करने आए हुए थे यहाँ पर। ये देखें बच्चे गोल गप्पे खाते खाते उनके पास चले गए ना। तो बस ये था मेरा व्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।